प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तेरा भाई जी उठेगा, और वचन लिखा कि जब यीशु मसीह ने देखा मार्था वाल और मार्था विश्वास कर रही थी, बोलती है कि प्रभु जी तू जो मंगेगा पिता को पिता तेनू की कर देगा, देगा, पर विश्वास नहीं सी करती। प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया कि जीवन भी मैं हाँ और क्यामत भी मैं हाँ, आदि भी मैं हाँ और अंत भी मैं हाँ। कौन बोल रहा है? परमेश्वर कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जीवन भी मैं हाँ और क्यामत भी मैं हाँ, और आदि भी मैं हाँ और अंत भी मैं हाँ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं हाँ। हालेलुया। यीशु कब्र उत्ते जद गया ते वचन लिखा कि रोया जा, क्यों रोया यीशु मसीह? लाजर मर गया, यीशु मसीह ने दुख है नहीं, क्यों रो रहा यीशु मसीह? क्योंकि माता विश्वास नहीं किया। देखो प्रभु यीशु मसीह इस गल तो रो रहा सी कि ए मेरी किसी गलते विश्वास है नहीं कर रहे, मैं जो कह रहा हूं ए मेरी गलते विश्वास है नहीं कर रहे, मैं मरियम नु बोल देता है कि मरियम जे मार्था जेकर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा नु देखेगी। मैं कह देता है कि आदि भी मैं हाँ ते कियामत भी मैं हाँ ते जीवन भी किया मैं हाँ, ते मार्था विश्वास है नहीं कर रही, जेकर मार्था विश्वास करेगी तो फिर दूजे विश्वास करने के लग गया। हालेलुया 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 हालेलुया। और यीशु मसीह वचन लिखे कि कब्र ते जाके की होया? रोया रोया, रो पिया के कोई भी विश्वास है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। हालेलुया हालेलुया। जेकर वो विश्वास कर लेंदे ते यीशु मसीह नु चार दिन दे मरदे हुए लाजर नु जिंदा करन दी लोड नहीं पैनी सी, नहीं पैनी सी। अज इंसान पता कितना विश्वास करता है? देख के विश्वास करता है कि जेकर मेरे जीवन च कोई काम हो गया ते फिर मेनू की है, जेकर मेरे जीवन च काम हो गया तो की है? विश्वास है। जे बीमारी चली गई तो विश्वास है, जेकर मैं चंगा हो गया तो विश्वास है, जे मेरी मुश्किल हल हो गई तो विश्वास है, जे मेरी टेंशन चली गई तो विश्वास है, जे मेरे बच्चे ठीक हो गए तो विश्वास है, जे मेरी गरीबी चली गई तो विश्वास है, उस तरह विश्वास है? हालेलुया 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 हालेलुया। होता है कि नहीं? इस तरह होता है। अज लोग की करते हैं? अज की करते हैं? जेकर मैं ठीक हो जावांगा तो विश्वास करांगा, जेकर मैं चंगा हो जावांगा तो विश्वास है करांगा, मेरी हर मुश्किल हल हो जावे मैं विश्वास है करांगा, मेरी हर टेंशन चली जाए मैं विश्वास है करांगा। मार्था भी इस तरह कर रही है कि जेकर लाजर जिंदा हो जावेगा तो विश्वास हो जाएगा जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तां रो रहा है इस करके कब्र ते जाकर रोया है कि ये विश्वास कर नहीं रहे मेरी गल ते जो मैं कह रहा, ये विश्वास है नहीं कर रहे। विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह ने तुहाडे लई जान देती है? विश्वास है। सारे बोलते को नहीं कि विश्वास नहीं है? विश्वास है। यीशु मसीह ने तुहाडे लई जान दे दी है, तुहानू विश्वास नहीं है? विश्वास है। यीशु मसीह तुहाडे लई मर गया, तुहानू विश्वास नहीं है? विश्वास है। यीशु मसीह जिंदा हो गया, तुहानू विश्वास नहीं है? विश्वास है। यीशु मसीह ने तुहाडे दुखां नू ठाले, विश्वास नहीं है? विश्वास है। यीशु मसीह ने मौत नू हरा दित्ता, विश्वास नहीं है? विश्वास है। यीशु मसीह ने शैतान नू पैर थले रखा, विश्वास नहीं है? विश्वास है। हालेलुया 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 हालेलुया। मार्था कहती मैं विश्वास तां करांगी। हालेलुया हालेलुया। आज इंसान देखन ते विश्वास करता है कि मेरे जीवन च काम होएगा ते विश्वास है करांगा, फिर विश्वास करांगा। मेरा आ मुश्किल हाल हो जानी चाहिए फिर मैं विश्वास है करांगा, मेरा आ मुश्किल हाल हो जानी चाहिए फिर विश्वास है करांगा। इस तरह कहता इंसान। आज यीशु मसीह ने तुहाडे लई जान दे दी, तुहानू विश्वास नहीं है? विश्वास है। ये तुहानू विश्वास है ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिता है कि तुसी परमेश्वर की महिमा नु की करोगे? देखोगे। तुहाडे जीवन च परमेश्वर की महिमा आएगी। ये तुहाडा विश्वास है, जिस तरह तुहाडा विश्वास है उस तरह दा परमेश्वर तुहाडे जीवन च काम करेगा। चाहे तुसी किसी मुश्किल चो, चाहे किसी परेशानी चो, चाहे किसी भी चीज च खड़े हो, परमेश्वर उस चीज नु हल करेगा जे तुहाडा विश्वास है। ये तुहाडा विश्वास है तो परमेश्वर तुहानू बाहर कढ़ेगा, परमेश्वर तुहानू आजाद करेगा, परमेश्वर तुहानू खड़ा करेगा, परमेश्वर तुहानू उत्ते लेके आएगा जिथे तुसी नहीं हो। तुसी देखोगे परमेश्वर दी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जदो रो रहा सी ते प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया, यीशु ने मन में फिर उदास होकर कहा, वो
गुफा, वो एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने उससे कहा पत्थर हटाओ, फिर भुपाड़ जा रहे अंताली आया था 11 दिन 40। जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी। यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा पत्थर हटाओ, पत्थर की करो हटाओ, पत्थर की कर दो हटाओ। हम जेड़ा वचन लिखा है कि उस कब्र देखे गिर क्या सी पत्थर, पत्थर कब्र देखे गिर क्या सी पत्थर, पत्थर रखे सी। और यीशु मसीह ने क्या उस पत्थर की करो हटाओ। जेकर यीशु मसीह लाजर नु जिंदा करना जानता है ते पत्थर भी टोना जानता है, जानता है हटा सकता है कि नहीं। हां जी, तो यीशु मसीह ने उन्होंने क्यों कहा तुसी पत्थर हटाओ? जो मैं कह रहा, जो मैं गल कर रहा, उस चीज ते विश्वास नहीं कर रहे, पर अपने इस कठोर दिल नूं कितना नम्र करो, इस पत्थर नूं तुसी की करो हटा दो। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर मसीह ने बोल दिया मार्था नूं कि मैं तेनूं चीज नहीं बोली, मैं तेनूं यह आख्या कि जेकर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा की करेगी देखेगी। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा की करोगे, चाहते परमेश्वर की महिमा किन्ने जने चाहते परमेश्वर की महिमा? जे तुसी विश्वास करदे ते परमेश्वर की महिमा तुहाडे जीवन च है। आमीन। परमेश्वर की महिमा तुहाडे किथे है? जीवन च है। जीवन च है, तुहाडे विश्वास ते निर्भर करदा है कि तुसी किस तरह दा विश्वास करदे हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने पत्थर हटाया, फिर क्या हो गया? पत्थर हटाया। उन्होंने अपने उस कठोर दिल की किया, परमेश्वर अगे नम्र किया, नम्र किया परमेश्वर अगे, अपने उसको थोड़ दिल नु नमर किया और तोड़िया परमेश्वर अगे अपने दिल नु। और परमेश्वर मसीह ने की क्या? तब उन्होंने पत्थर को हटाया, यीशु ने आंख उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो इधर, इधर देखो, इधर तो जाने को पाया। हालेलुया 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 हालेलुया। पर देखो परमेश्वर मसीह ने की बोलिया कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, की करता हूं धन्यवाद करता कि तू मेरी की कीती है सुनी है, तू मेरी की कीती है सुनी है। लाजर जिंदा हो गया है? हां जी। लाजर जिंदा हो गया है? नहीं जी। सारे बोलो लाजर की हो गया है? जिंदा हो गया। नहीं हुआ। कितने हो गया? अजय जिंदा नहीं हुआ लाजर? अजय लाजर जिंदा नहीं हुआ? अजय लाजर जिंदा नहीं हुआ? और यीशु मसीह प्रभु की कर रहा है कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता, धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी की कीती है सुनी है, तुसी की कीती है सुनी है। अजय लाजर जिंदा नहीं हुआ? अजय लाजर किथे है? कब्र च। अजय लाजर किथे है? कब्र च। अजय लाजर कब्र च है, मरिया ही है और खफन च है। और यीशु मसीह ने की क्या? पिता मैं तेरा की करता हूँ धन्यवाद करता है, तू मेरी की कीती है सुन ली है, सुन नहीं है, नहीं है। आज तुसी की करदे हो? आज तुसी करदे पिता दा धन्यवाद कि पिता मैं चंगा हूं तो पहला तेरा धन्यवाद करता हूं? तुसी चंगाई तो पहला धन्यवाद करदे पिता दा? तुसी चंगाई तो पहला धन्यवाद करदे पिता दा? हां जी। ताडी कोई भी मुश्किल होवे, मुश्किल दा हल होण तो पहला धन्यवाद करदे पिता दा? हां जी। लाजर अजे जिंदा नहीं है और यीशु मसीह पिता दा की कर रहा है? धन्यवाद करता पे। धन्यवाद की कर रहा है? करता पे। कर रहा है यीशु मसीह, कहता पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी की कीती है सुन ली है, सुन ली है। हालेलुया 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 हालेलुया। और यीशु मसीह ने जिस पिता का धन्यवाद किया तो वचन लिखा कि कब्र से जाके यीशु मसीह ने एको आवाज मारी कि लाजर की कर है कब्र दे विचों की कर है बाहर आ जा। लाजर से टाइम क्यों गया? बाहर। लाजर खफन विच पे आया, लाजर रस्सियां ना बज्जा आया, लाजर का मुंह लिट आया, सब कुछ उस तरह सी और लाजर खफन विचों की हो गया बाहर आ गया। तो वचन लिखा है कि कितने दिन का लाजर मर गया? 4 दिन। कितने दिन का मर गया? 4 दिन का। और चमा दिन का मरिया है लाजर कब्र दे विचों की हो गया बाहर आ गया। किस तरह आया? विश्वास द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा और क्या? पिता मैं तेरा की करता हूं धन्यवाद करता। आज बीमार पता की है? कहता पिता मैं चंगा कर दे।
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਹੈ ਕੁਛ? ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤੀ 11:28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 11:28 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੰਗਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਕਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲ, ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।